फ्रांस में सरकार और कट्टरपंथी संगठनों के बीच छिड़ी जंग का असर अब दुनिया के कई देशों पर दिखने लगा है। दुनिया भर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने लगा है। भारत के कई इलाकों में भी इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साफ कर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने फ्रांस में हुए हमलों की निंदा भी की है। दक्षिण मुंबई की एक व्यस्त सड़क पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पोस्टर चिपकाए गए। इस दौरान इन पोस्टर के ऊपर से वाहन गुजरते दिखाई दिए। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर लगे पोस्टर को हटा दिया। जानकारी के मुताबिक भिंडी बाजार क्षेत्र और जेजे फ्लाईओवर के नीचे मोहम्मद अली रोड पर राहगीरों और मोटर चालकों ने मैक्रों के सैकड़ों पोस्टर चिपके हुए देखे, जो फ्रांस में एक कार्टून विवाद को लेकर मुस्लिम देशों की आलोचना का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वाहन पोस्टर के ऊपर से गुजरते हुए दिखे थे। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मुंबई की सड़कों पर मैक्रों की तस्वीरों को चिपकाए जाने का विरोध करते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र सरकार, ये आपकी सरकार के राज में क्या हो रहा है? भारत आज फ्रांस के साथ खड़ा है। जो जिहाद फ्रांस में हो रहा है, उस आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के साथ मिलकर लड़ने की प्रतिज्ञा की है, फिर मुंबई की सड़कों और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष का अपमान क्यों? पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं फ्रांस में हाल में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें आज नीस के चर्च में नृशंस हमला भी शामिल है। फ्रांस के लोगों और पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी और हार्दिक संवेदनाएं हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।